जिम से लौट रही शिक्षक की पुत्री दामिनी को बेकाबू ट्रक ने रौंदा। पुराने बाईपास पर तड़के हुआ हादसा, चालक ट्रक छोड़कर फरार। शिवपुरी शहर के बाहर नया बाईपास शुरू होने के बावजूद पुराने बाईपास पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार हादसों का कारण बन रही है। गुरुवार की सुबह जिम से अपनी स्कूटी से लौट रही शिक्षक की 27 वर्षीय पुत्री ऐसे ही बेकाबू ट्रक की चपेट में आ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जानकारी लगते ही सिटी कोतवाली TI सुनील खेमरिया मौके पर पहुंचे और ट्रक जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार माधवनगर में रहने वाले शिक्षक की 27 वर्षीय दामिनी ओझा गुरुवार सुबह जिम से घर स्कूटी से जा रही थी। जब वो होटल PS के पास पहुंची तो एक तेज गति से आ रही बेकाबू ट्रक ने दामिनी की स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चकनाचूर हो गई और दामिनी जमीन पर गिर गई। गंभीर चोट आने के कारण मौके पर उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही तुरंत कोतवाली TI सुनील खेमरिया मौके पर पहुंचे। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि नया बाईपास शुरू होने के बाद भी भारी वाहनों की पुराने बाईपास से आवाजाही लगातार जारी है। मामले को लेकर यातायात विभाग कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिस कारण लगातार पुराने बाईपास से भारी वाहन गुजर रहे हैं और आज इसी वजह से ये घटना घटित हुई। अरविंद ठाकुर नाम है मेरा। अरविंद जी, आप जिम ट्रेनर हैं? नहीं सर, जिम ओनर हूँ मैं। और दामिनी आपके ही आती थी? जी सर। किस तरह का इसका शेड्यूल था, क्या? बहुत ही एक्यूरेट शेड्यूल था, सिस्टम से टाइम टू टाइम आना। मॉर्निंग में अगर 5:30 पे जिम ओपन होता है तो 5:30 पर आना, 2 घंटे वर्कआउट करना रेगुलर, किसी से कुछ नहीं, मतलब सपोर्टिव, काफ़ी सपोर्टिव नेचर था। और आई थिंक PSC की प्रिपरेशन कर रही थी बच्ची, और मतलब बहुत अच्छा नेचर था कि ये सोचने में ऐसा लग नहीं रहा कि फील नहीं हो रहा कि ये हमारे बीच में नहीं है। अब एकदम से मुझे कॉल आता है ट्रेनर का कि सर एक्सीडेंट हुआ है, जा कर के देखते हैं, और एकदम से बस भौचक से रह जाते हैं कि कुछ हमारे हाथ में है नहीं करने के लिए। और जो स्पॉट है, जो उस पर कई एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं, तो मेरा एक आप लोगों से एक बड़ी विनम्र निवेदन है कि उस चौराहे पर कॉन्सनट्रेट किया जाए और उसको देखा जाए। उस चौराहे पर बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ, बहुत ही बेकार स्थिति है वहाँ की, उसको सही होना बहुत जरूरी है। उसका कई समझे मैं इसको थोड़ा घटना स्थल पर पहुंचे तो आपने क्या देखा वहाँ पे? घटना स्थल पर देखा मैंने स्पॉट पर कि लड़की शांत हो चुकी थी और कुछ भी करने के लिए मैं कार लेके भागा, जिससे कि मुझे ऐसा लगा कि कई लोग गाड़ियाँ नहीं रोकते तो कहीं अगर चोट लगी होगी तो हम इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। और काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस भी था जिम से, 100 मीटर करीबन डिस्टेंस हो गया, टर्न हो गया था, तो देखने में एकदम से किसी ने बताया तो भागे, लेकिन स्थिति ऐसी थी नहीं कि कुछ भी बचाओ वहाँ पर करने के लिए हमारे। सर, आज सुबह ये छात्रा का एक्सीडेंट हुआ है? ये लड़की है, जिम करने गई थी, सर्किट हाउस से जिम करके लौट रही थी एक्टिवा से। दामिनी ओझा नाम है लड़की का, 27 साल करीब इसकी उम्र है। तो जैसे ही ये टर्न पे बाहर मेन रोड पे आई है, पीछे से एक ट्रक आ रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया, जिससे इसकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। ट्रक हमने पकड़ लिया, कार्रवाई कर रहा है।